परीक्षित ने कलयुग को एक स्थान दिया है, उसका नाम है स्वर्ण, सोना। कलयुग कहाँ रहता है? सोने में, कान में, गले में, सर पर। कलयुग में सोने में भी रहता है। तो यहाँ पर परीक्षित कह रहे हैं कलयुग मैं तुझे सोने में वास देता हूँ। और एकादश स्कंद में भगवान विभूति युग में कहते हैं कि धातु नाम यस्य कांचनम, धातु में स्वर्ण मैं हूं ना। तो भगवान तो कह रहे हैं सोना मैं हूं, परीक्षित कह रहे हैं सोने में कलयुग। तो भगवान और कलयुग एक साथ कैसे रहेंगे? जहां भगवान होंगे वहां कलयुग आएगा क्या? लेकिन भगवान कौन से सोने में रहते हैं? जब व्यक्ति खूब मेहनत करता है और मेहनत की कमाई से फिर वो सोना खरीदता है, उस सोने में साक्षात भगवान नारायण रहते हैं। लेकिन कमाई नंबर दो की हो, किसी का घर उजाड़ कर हो, नशे का कारोबार करके, अब नशा का जो बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उससे कोई सोना खरीदे, कितने घर के बच्चों की जिंदगी जिसने बर्बाद की है, तो ऐसे घर के सोने धन लक्ष्मी में भी तो कलयुग रहता है, उसकी भी बुद्धि खराब। पाप की कमाई में, सीधी सीधी बात, घुमा फिरा कर नहीं, पाप की कमाई के सोने में कलयुग रहता है और पुण्य की कमाई के स्वर्ण में साक्षात नारायण रहता है। सोने में भगवान है, लेकिन निर्भर करता है कि कमाई पाप की है कि कमाई पुण्य की है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।